करोड़ की वसूली के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने जैसे ही सीबीआई जांच का फैसला सुनाया, वैसे ही महाराष्ट्र में सियासी भूचाल आ गया। फैसला आते ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को अपना इस्तीफा सौंप दिया। उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया गया, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने उद्धव सरकार पर जोरदार हमला बोला। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक मंत्री ने तो प्रदेश सरकार के भविष्य को लेकर एक बड़ा दावा कर दिया है। दरअसल महाराष्ट्र के सियासी भूचाल पर बयान देते हुए केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है, लिहाजा अब यहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। आठवले ने कहा कि मैंने इस बाबत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर मांग की है कि राज्य में अब राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। रामदास के मुताबिक अब ऐसा नहीं लग रहा है कि महाविकास अघाड़ी सरकार राज्य में अपना कार्यकाल पूरा कर पाएगी। देश में कोरोना के 60 से 65% मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं, ऐसे में राज्य सरकार की स्थिति काफी डामाडोल नजर आ रही है। आठवले यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख को पहले इस्तीफा देने की जरूरत थी, हालांकि उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और एनसीपी की ओर से बचाने के तमाम प्रयास किए गए, लेकिन अब शरद पवार ने अनिल देशमुख को इस्तीफा देने की इजाजत दे दी है, ये अच्छी बात है। उधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता देवेंद्र फडणवीस ने भी अनिल देशमुख के इस्तीफे पर तीखी प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा कि देशमुख को इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए था, जिस समय उन पर आरोप लगे थे। हाईकोर्ट ने मामले में हस्तक्षेप किया, उसके बाद गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया है। इतना ही नहीं, फडणवीस ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी लपेटे में लिया और अब तक उनकी खामोशी पर सवाल उठाए। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने 100 करोड़ की वसूली के आरोपों के मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। जाहिर है हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी और 15 दिन के अंदर एफआईआर लिखी जा सकती है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि अनिल देशमुख का इस्तीफा ऐसे वक्त में हुआ है जब महाराष्ट्र सरकार के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था। ऐसे में अगर बतौर गृह मंत्री अनिल देशमुख का नाम एफआईआर में आता तो इससे सरकार, खासकर एनसीपी प्रमुख शरद पवार की खासी फजीहत होती, क्योंकि आरोप लगाए जाने के बाद शरद पवार ने खुलकर अनिल देशमुख का बचाव किया था। हालांकि रामदास आठवले के दावों में कितना दम है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट।